Hey guys, welcome back to the new video. My name is Shubham और आज मैं आया हूँ अरमान मोटर्स में। तो आज अरमान मोटर्स में हम लोग आज बात करने वाले, काफी सारी कार का कलेक्शन यहाँ पर अवेलेबल है जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो यहाँ पर हम लोग देखने वाले काफ़ी सारी सेगमेंट की कार्स सेडान में है, हैचबैक में है एंड एसयूवी में है। काफ़ी सारी कार्स हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ऑल्सो चैनल को सपोर्ट कर सकते हो ज्वाइन करके, थैंक्स का बटन दिख रहा हो, अगर आपको थैंक्स का बटन दिखता है तो वहाँ पर जाके आप सपोर्ट कर सकते हो थोड़ा बहुत अमाउंट दे के। एंड ऑल्सो रिचुअल है कि भाई सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। सब्सक्राइब भी है बिना यहाँ पर जाना नहीं है वरना पाप चढ़ेगा, ठीक है, पाप चढ़ेगा, इसलिए बोल रहा सब्सक्राइब कर देना। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। चलो 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 चलिए शुरू करते हैं। तो आज इस वीडियो में हमारा साथ देने वाले हैं अब्दुल कादिर जी जो कि यहाँ पर ओनर हैं एंड वो हमारा साथ देंगे इस वीडियो में। कौन कौन सी कार यहाँ पर अवेलेबल है वो पूरा डिटेल्स आपको बताएंगे। ऑल्सो इनके पास ज़्यादा नेगोशिएशन नहीं होता, जो भी रहेगा प्राइस आपको यहाँ पर अच्छा ही मिलेगा। एंड गाड़ियों का कंडीशन तो ऑफकोर्स आपको देखने को मिल ही जाएगा वीडियो में कि कैसा क्या है क्या नहीं। एंड ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, ऑब्वियसली फिर ज़्यादा बारिश हो रही है, देख सकते हो यहाँ पर कितना ज़्यादा बारिश हो रही है, तो फालतू में गीले वीले हो जाएंगे इसके लिए। तो हम लोग पहले चालू कर लेते हैं वीडियो। एंड तो ये रहे हमारे साथ अब्दुल जी, तो आपका स्वागत है हमारे वीडियो में। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो कैसे हैं आप? हम ठीक हैं। अच्छा, तो आज गाड़ी में कौन कौन सी चीज़ें हम लोग कौन से दिखाने वाले हैं डिटेल? हमारा गाड़ी अभी आया है, काफ़ी सारी कार्स हैं अपने पास नई आई हैं। आरबी आया तो चला गया। प्राइस कहाँ से स्टार्ट होता है आपके यहाँ पे? प्राइस देखिए, ये 2010 का गाड़ी है, होंडा गेस। हाँ, बहुत अच्छा गाड़ी है, कोई देखिए आप भी देखिए, चारों टायर एकदम कंडीशन में है। हाँ, कंडीशन में टायर कंडीशन काफी अच्छा है। सीट कवर एकदम होंडा का ओरिजिनल सीट कवर है, चारों पावर विंडो एकदम ओके है। हाँ, इसका चला है कितना किलोमीटर, एक मिनट, इसका 53,040 किलोमीटर मैंने चला है। 53,040 किलोमीटर चला है, मतलब 53,000 40 किलोमीटर चला है सिर्फ, 53,000 समथिंग जी, काफ़ी ठीक है। और इसमें जो अगर इंजन आता है काफ़ी अच्छा पावरफुल इंजन मिल जाता है जो कि आपको वरना वगैरह में भी देखने को मिल जाए, 1.4 लीटर शायद, अगर गलत होंगे तो यहाँ पर दिख रहा होगा। अगर वैसे तो मेरा यही अंदाज़ा है कि गेट्स में वही इंजन दिया जाता है, पावर परफॉर्मेंस वाला काफ़ी अच्छा मिल जाएगा इसके अंदर। टायर कंडीशन की बात करें तो टायर कंडीशन भी अब तो एकदम बढ़िया मिल जाएगा, बॉडी भी एकदम कम्प्लीट है, कोई बम्पर टचिंग वचिंग किया गया कि कुछ ऐसा? तो हाँ, ज़रा सा टचअप है। अच्छा, हल्का फुल्का टचअप है, पीछे से थोड़ा बम्पर का टच है, इधर घुमा के देखा सकता है। देखिए पहला बात हम बोल रहे हैं, हम उतना हिंदी हमको आता नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मैं हूँ। गाड़ी देखिए कितना अच्छा गाड़ी है, 2010 का मॉडल है, इसका टैक्स है 2020 तक, 2020 तक का टैक्स है। इसको फाइनल दाम है 80 में हम छोड़, तो 80,000 रुपये फाइनल रेट रहेगा जो कि गेट्स प्राइम वेरिएंट है। ये डीजल में है कि पेट्रोल में है? पेट्रोल वेरिएंट में रहेगा और काफ़ी अच्छा, 80,000 रुपये ओनली, 80,000 से यहाँ पर आपको स्टार्टिंग मिल जाता है। मतलब कि जो भी अभी तक जहाँ पर मैंने वीडियोस बनाए हैं उधर मेरे को ऐसी गाड़ियाँ नहीं मिली जो कंडीशन काफ़ी अच्छी है। और कौन सी ईयर का मॉडल बताया दादा आपने? 2010 का मॉडल है, तो 80,000 में आपको मिल जाएगा कैश दे के आप। 80,000 कुछ नहीं होता, 80,000 में स्प्लेंडर आती है। अगर बाहर का आदमी आएगा बोलेगा एनओसी लाएगा, एनओसी मिल जाएगा, तो एनओसी वगैरह ट्रांसफर वगैरह सब करवा के देंगे आप उसमें, तो वो 80,000 में ही हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं, वो ऊपर से होगा, तो वो ऊपर से आपको सारा ट्रांसफर का पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन 80,000 रुपये प्राइस इस गाड़ी के लिए मेरे को तो काफ़ी अच्छा लगता है। और नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरी गाड़ी की तरफ, ये हुंडई है अपने पास, हुंडई है 2011 का है, 2011 का मॉडल है, हम दिखा रहे हैं उसको, जो है 2011 का है, मैग्ना मॉडल है, मैग्ना मॉडल मिल जाएगा। गाड़ी देखो कितना अच्छा है, गाड़ी इतना अच्छा है, चला है इसका 71 लग रहा है, चला है कितना कंडीशन में गाड़ी है, 71 किलोमीटर चला है, ठीक है, 41,000 किलोमीटर चला है। चारों पावर विंडो भी ओके है, सेकेंड ऑनर है, गाड़ी देखिए कितना अच्छा है, कंडीशन तो गाड़ी की काफी अंदर है, अंदर से अच्छी है। 2026 तक का टैक्स पेड है, सबसे बड़ा बात है इसका जो टैक्स इतना अच्छा, ये देखो इंजन का साउंड देखो कितना अच्छा,
तो इंजन का साउंड ही अगर मैं सुनाऊं आपको, काफी अच्छा रिफाइंड इंजन है। इंजन देख सकते हो काफी रिफाइंड है, एकदम झकास है इंजन। सच में काफी रिफाइन इंजन रखा है, मैग्ना है मॉडल है ये, i20 है। बैटरी फैटरी सब कुछ एकदम ओके है, फ्रंट फॉर्म आप देखिए ना कितना अच्छा है। इंसुलेशन वगैरह के लिए भी काफी अच्छी जगह है, और सामान आपका इंजन तो मतलब खुला वगैरह तो नहीं ना, एकदम परफेक्ट है ना। एकदम आप फोटो उठा के दिखाए ना, आप फोटो उठा परफेक्ट आपको इंजन यहाँ देखने को मिल रहा है। एकदम फाइनल प्राइस आके अगर बोलेगा 100 रुपया कम लेगा तो कम नहीं देंगे, हम एकदम माने सस्ता में गाड़ी बेचता है। कितना प्राइस बता रहे हैं? 2,15,000 में हम छोड़ देंगे। तो 2,15,000 रुपये फाइनल प्राइस रहेगा, 2,15,000 रुपये फाइनल आपको पे करना होगा। एंड ये कम्प्लीटली मक्खन कार आप यहाँ से लेके जा सकते हो। 2,15,000 i20 है ना ये मैगना? हाँ i20 मैगना के लिए पूरी गाड़ी का कंडीशन काफ़ी अच्छा है। सिर्फ एसी थोड़ा कम ठंडा हो रहा है, ठंडा हो रहा है। पावर विंडो एकदम माने क्या बोले, सब कुछ एकदम ओके है। चारों पावर विंडो जो भी देखेगा, पावर विंडो वगैरह सब अच्छे से काम कर रहा है, सीट सब कुछ एकदम झकास है। तो इंटीरियर वगैरह का कंडीशन भी काफी अच्छा है, तो कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। और नेक्स्ट हम लोग दादा आगे बढ़ते हैं, दूसरी जो कार है अपनी ये है एंजॉय है, एंजॉय शेवरलेट का एंजॉय है ये, 7 सीटर में मिल जाएगा। ये गाड़ी हम ले आता जो डिवाद गैरेज है तारातला, मारुति शोरूम से दो गाड़ी लेके आया, वो उसको जो मारुति वैन है, और ये चार गाड़ी लेके आया, दो गाड़ी बिक गया और दो गाड़ी अभी फिर ले आया, ठीक है। तो ये है डीजल गाड़ी है, ये डीजल वेरिएंट रहेगा, फास्ट ओनर है, फास्ट ओनर है, डीजल गाड़ी है, फास्ट ओनर है, और इसको चला है चारों पावर इंद्र है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 49 किलोमीटर चला है, 49,000 किलोमीटर चला है, हाँ डीजल गाड़ी है, 8 सीटर है, 8 सीटर रहेगी। देखिए एकदम झकास है, कोई जाएगा दाग दुग नहीं है, डबल एसी है, डबल एसी रहेगा, आप देखा सकता है, हाँ वीडियो भी देखा सकता है, फोटो भी उठा के देखा सकता है। तो अंदर से कंडीशन देख सकते हो काफी अच्छा है कार का, 8 सीटर कार मिल जाएगा, बैग जाएगा, कोई जाएगा चोट चाट कुछ नहीं है, ठीक है। आप आके गाड़ी चला के देख सकता है, एकदम फिक्स प्राइस 2,22,000 लेंगे, 2,22,000 रुपए। एसी चल रहा है, थोड़ा कम ठंडा हो रहा है, कम ठंडा हो रहा है जो है आपके सामने बता दिया उन्होंने, जो प्रॉब्लम है प्रॉब्लम हम बोल दे रहा है, अब वीडियो देखा सकता है, जरा सा सामने वाला क्रैक है, जरा सा। अच्छा ठीक है, यहाँ पर आपको हल्का सा क्रैक मिलेगा, हाँ, बट विंडशील्ड में, हाँ, बाकी 2,00,000 आपने कितना बताया, 2,22,000, 2,22,000 में गाड़ी छोड़ देंगे ये। 2014 का 29 साल सीएफ है इसका, फिटनेस 2029 साल तक है। अच्छा 2029 साल तक इंश्योरेंस है, ये टैक्स पेड है, जो कि काफी अच्छा प्राइस है, जो भी है सामने है बता दिया उन्होंने कि भाई विंडशील्ड में क्रैक है, एसी थोड़ा कम ठंडा कर रहा है, लेकिन डिटेल जो है सारी उन्होंने बता दी है कि भाई जो है सामने है वो 2,22,000 में गाड़ी निकाल देंगे, तो उससे थोड़ा कम ज़्यादा नहीं होगा, बिकॉज बहुत ही कम प्राइस में आप ऑलरेडी आपको 7-8 सीटर कार मिल रही है। अब इसे रेंटल पे भी चला सकते हैं और नॉर्मल वैसे भी चला सकते हैं। अंदर भी देखा दीजिए कितना अच्छा, कितना सुंदर गाड़ी है, देखिए 8 सीटर डीजल गाड़ी है, इससे यार कम दाम में कभी मिलेगा नहीं, एक बार हम 13 का गाड़ी बेचा है 2,65,000 में, हाँ पेट्रोल गाड़ी यार डीजल गाड़ी है, कोई आदमी लेके भाड़ा भी खटा सकता है। और एक बात हम बोल दे रहा है, हमारे पास कोई भी गाड़ी लेगा डॉक्यूमेंट्स का साथ आना होगा, अगर कोई आदमी बोलेगा जो हम एडवांस दे सकता है तो एडवांस दे सकते, जैसे वो वाला गाड़ी एडवांस दिया कहाँ, हाँ। शिलंग से 10,000 रुपया एडवांस दिया, कल एक आदमी हमको फ़ोन किया 5,000 रुपया आपको ज़्यादा दे रहा है, हम बोला नहीं है भाई, बोल रहा है जो गाड़ी जो आके उसको नाम चेंज संग संग करना होगा, मेरा पास जो गाड़ी ले अगर बोलेगा जो हम डीलर है नाम चेंज नहीं करेगा, ले सकता है मतलब वो गाड़ी का पेपर जिरक्स लेंगे उसका तीनों
आधार कार्ड पैन कार्ड वोटर कार्ड, अगर वो एक तो लेके आएगा तो गाड़ी हम नहीं देंगे। तीनों कागज हमको पूरा चाहिए, तो कागज पूरा चाहिए, डिटेल आपको सब देना पड़ेगा डॉक्यूमेंट। गाड़ी लेगा 45 दिन, 1.5 महीने का अंदर आपको नाम चेंज करना होगा। 45 दिन के अंदर आपको बहाना करेगा आज नहीं कल, कल नहीं पहुंचे, हम उसका बाद गाड़ी नहीं देंगे। राइट राइट, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि मतलब आप ट्रांसफर करवाना जरूर रहता है गाड़ी, क्योंकि आप नहीं ट्रांसफर कराते हो तो कुछ एक्सीडेंट वगैरह होता है, कुछ होता है, तो फिर इनके ऊपर आएगा यार क्यों परेशानी हो उसके फर्स्ट ओनर के ऊपर। गलत बात है। तो डीलर्स लोग क्या करते हैं कि मतलब खरीद लेते हैं फिर उसको ट्रांसफर नहीं कराते हैं, वो काफ़ी टाइम तक खड़ी रहती है गाड़ी, फिर वो लोग यूज़ भी करते हैं, इस बीच में अगर कुछ हो जाता है तो फिर ये दिक्कत हो जाती है। लेकिन इस चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखते हैं कि हाँ भाई ट्रांसफर कराना ही है। लिखा भी है मेरा ऑफिस पे, लिखा भी है 15-45 दिन का अंदर आपको नाम ट्रांसफर कराना होगा, नहीं तो हम जिम्मेदारी नहीं है। राइट राइट, तो जिम्मेदारी नहीं आएगा, वो पूरा आपको डॉक्यूमेंटेशन करके देंगे, है ना। तो ये थी गाड़ियाँ गाइस, मैंने आपको दिखाई, और इनका जो नंबर रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, और आप उनको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी डिटेल मिल जाएगा। और इस वीडियो में अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, सबसे इंपॉर्टेंट काम है, उसके बाद आप ज्वाइन कर सकते हो चैनल को, और थैंक्स के बटन के थ्रू आप सपोर्ट कर सकते हो, है ना। और अगर आपको कोई ऐसा है अपने ऑनरशिप रिव्यू बनवाना है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा लिंक वगैरह मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो, उस तरीके से आप मुझे कॉल कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग मिलकर भी एक वीडियो बना सकते हैं, आपके पास कोई कार है तो उसका एक ऑनरशिप रिव्यू बन जाएगा। और इस वीडियो में इतने रखते हैं, मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय भोलेनाथ।